बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अब्दुल रहमान साबिर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सरगोधा एजुकेशन एकेडमी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने मोटिवेशनल थ्योरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और हमने इंस्टिंक्ट की थ्योरी पढ़ी थी मैकडोगल की, उसके बाद क्लार्क हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी पढ़ी थी और उसके बाद हमने साइको एनालिटिकल थ्योरी पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे बिहेवियरिज्म की जो थ्योरी है, बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो बिहेवियरिज्म की जो मोटिवेशनल थ्योरीज हैं, ये पिछली जो थ्योरीज हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो बिहेवियरिज्म वाले जो हैं, इनमें मेन चीज़ जो पाई जाती है वो ये है कि ये हेरिडिटी और इंट्रोस्पेक्शन वगैरह जो है लास्ट थ्योरीज़ के अंदर, वो उसको टोटल इग्नोर करते हैं। मतलब इंस्टिंक्ट्स वगैरह जो हैं उनको ये बिल्कुल इग्नोर करते हैं और जो अनकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है एंड प्री कॉन्शियस है, वो सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए एक न्यू जो मोटिवेशन की थ्योरी है वो ये देते हैं। तो बिहेवियरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, इनमें अगर मैं नाम लूँ तो सबसे पहले जो है वो जे बी वाटसन का नाम आता है, जॉन बी वाटसन, और इसके बाद पावलोव, थॉर्नडाइक एंड स्किनर, और फिर बेंडुरा जो बेसिकली एक सोशलिस्ट था लेकिन उसने भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ जो मेन आपको समझनी चाहिए वो ये है कि स्टडी ऑफ बिहेवियर पे ये फोकस करते हैं और कहते हैं कि जो बिहेवियर है ये ऑब्जर्वेबल है और मेजरेबल होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम ये कहेंगे कि ये अपनी जो मोटिवेशनल थ्योरीज हैं उसमें ये चीज़ देखते हैं कि हाउ एंड वाई वी बिहेव, कि हम कैसा बिहेवियर शो करते हैं और हम क्यों बिहेवियर शो करते हैं, इन अ पर्टिकुलर मैनर्स इन फैशन बाय एक्सपीरियंसेस। मतलब ख़ास किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर हम जो ख़ास किस्म का बिहेवियर शो करते हैं वो क्यों शो करते हैं और किस तरह शो करते हैं। तो ये कहते हैं कि जो लर्निंग होती है या जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए जो मोटिवेशन है वो हम कैसे रिसीव करते हैं, तो इसमें इन्होंने मेन चीज़ जो बताई है ये कहते हैं कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म के अंडर हम लर्निंग हासिल करते हैं और ट्रेनिंग हासिल करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पावलोव, थॉर्नडाइक और स्किनर ने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है, पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी है उसमें और स्किनर की जो थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, और उसके बाद जो थॉर्नडाइक ने लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये कहते हैं कि रीइन्फोर्समेंट एज अ प्राइम फैक्टर, इनके नज़दीक जो रीइन्फोर्समेंट है वो एक प्राइम फैक्टर है फॉर द मोटिवेशन ऑफ द बिहेवियर। बिहेवियर की मोटिवेशन के लिए जो प्राइम या बेसिक चीज़ है वो रीइन्फोर्समेंट है। तो रीइन्फोर्समेंट इनके नज़दीक कैसे आती है, ये कहते हैं कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म के ज़रिए आती है, ठीक है। तो ये जो है ये इसमें मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग आप देख लें, क्लासिकल कंडीशनिंग देख लें, और जो थॉर्नडाइक के लॉज ऑफ लर्निंग है इनमें आप देख लें कि जो प्राइम फैक्टर है मोटिवेशन का वो रीइन्फोर्समेंट है। किसी भी तरह से आप रीइन्फोर्समेंट देते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप बच्चे की अच्छे वर्क की तारीफ़ करते हैं तो क्या है, उसकी अच्छी लिखाई की तारीफ़ करते हैं तो क्या होगा कि वो एक अच्छा राइटर बन सकता है। इसी तरह एक और मिसाल जो कि बुक के अंदर कोड है क्वालिफाई के अंदर, के अगर किचन में मौजूद जो कुक है उसकी आप खाने की तारीफ़ करेंगे तो वो एक बहुत अच्छा जो कुक है वो बन जाएगा। सो ऑन, इस तरह ये है कि मुख्तलिफ चीज़ों को वो लेके चलते हैं। मज़ीद आगे अगर हम बात करें तो बेंदुरा जो है उसने भी इस किस्म की चीज़ पे ज़ोर दिया, वो कहता है कि ह्यूमन मोटिवेशन जो है मेनली गाइडेड थ्रू सोशल रिवार्ड्स एंड प्रेस,
मतलब मेन जो वो गाइड की जाती है वो सोशल रिवार्ड एंड प्रेस के थ्रू गाइड की जाती है, मतलब बच्चे को जो आप कहते हैं वेरी गुड, शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया, ये उसके सोशल रिवार्ड्स हैं। इसके ज़रिए जो ह्यूमन बिहेवियर है ये गाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू बेंटुरा। तो इसमें मेन चीज़ जो है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स है। इसके ज़रिए हम हैबिट्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं, लर्निंग फॉर्म करते हैं, और कंडीशनिंग के थ्रू हम ये सारे चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो जो बिहेवियरिस्ट की लर्निंग थ्योरीज़ हैं मोटिवेशन की, उनमें सबसे जो बेसिक चीज़ है, बुनियादी चीज़ है, वो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। ये चीज़ आप सेन में रखें। जैसा कि वो एक कहानी मौजूद है कि बेंदूरा ने कहा था कि मुझे कोई भी एक दर्जन बच्चे दे दे, आप जो कहेंगे मैं उनको बना दूंगा, आप चोर कहेंगे तो मैं उनको चोर बना दूंगा, आप डॉक्टर कहेंगे तो मैं उनको डॉक्टर बना दूंगा। मेन चीज़ है ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के पीछे क्या है कि आप एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज़म रखते हैं, उसके अंडर ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। तो जो हेरिडिटी है या इंट्रोस्पेक्शन है, कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस, उसको बड़ा अपोज करते हैं ये। तो ये बड़ी सिंपल सी थ्योरी थी। मज़ीद जो लर्निंग थ्योरीज हैं बिहेवियरिज्म के अंदर, वो इंशाल्लाह ताला हम लर्निंग का जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे। तो मोटिवेशन के हवाले से हमने बस यही पढ़ना था। तो इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम अगला जो लेसन है मोटिवेशन का, मोटिवेशन की जो अगली थ्योरी है वो पढ़ेंगे। और ये जो नेक्स्ट हम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं तो ये है अपना हमारी जो लर्निंग थ्योरीज है, सोशल अर्जिस की, एडलर्स की सोशल अर्जिस थ्योरी, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद गोल ओरिएंटेड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पढ़ेंगे। तीन थ्योरीज हैं, इंशाल्लाह ताला 3 दिनों के अंदर ये मुकम्मल हो जाएगा हमारा बाब मोटिवेशन का। इसके बाद हम लर्निंग की तरफ जा रहे हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।